अगेंस्ट है, भारत देश में रहने वाले एक एक इंसान के खिलाफ है। ये कौन होते हैं हमारे को पूछने को, तू किधर पैदा हुआ, तेरा बाप कौन है, तेरा बाप किधर पैदा है, सब क्यों पूछ रहे? हम इधर पैदा हुआ इधर मरेंगे, वही ये सबके लिए। उधर कोई दूसरा देश से आया है तो उनको बुला के जाओ आप, हम कौन मना कर रहे हैं? जो इधर ही है इसको क्यों तकलीफ दे रहे आप? ये कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रोल बैक करना है, इसको रोल बैक नहीं करे तो नहीं चलता। लॉन्ग टाइम ये इस तरह का बड़ा प्रोटेस्ट बेंगलुरु हो रहा है सर, इंडिया का इंसिडेंट होने के बाद काफी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स टाइट कर दिए हैं। नहीं नहीं, वो तो गवर्नमेंट का काम है सिक्योरिटी करना, टाइट करना, सभी प्रोटेस्ट करना हमारा काम है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट NPR CAA NRC इसको करना है, सेंसस करते हैं, हमें कौन रोकते नहीं उनको, उस तरीके से जो भी करने का करने दो। लेकिन ये जो तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। और ये खाली मुसलमान का खिलाफ नहीं, SC ST बैकवर्ड सबको यही प्रॉब्लम आएगा, किसके पास सर्टिफिकेट है, किसके पास डॉक्यूमेंट है, वो लोग क्या करेंगे? पहले मुसलमान को अटैक कर रहे हैं, बाद में और एक कम्युनिटी को, और एक कम्युनिटी को करके जो हिटलर किया वही करने को सोच रहे, लेकिन इनको वो नहीं होगा। माइनॉरिटी बजट में कमी हुआ है, हमें CM से बात करे हैं तो CM थोड़ा और चेंज करके हमें रेडी करके दे तू करके बोले, बट वी आर नॉट हैप्पी विद द जो कम हुआ लास्ट गवर्नमेंट से, अभी बहुत कम हो गया है, ये नाइंसाफी है, तो हमें उसके लिए लड़ेंगे और भी। अभी इस तरह लड़ेंगे नहीं, असेंबली में अभी विल वॉइस इट आउट और गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर थोड़ा वादा किए हैं, थोड़ा और ऐड करके देता हूँ करके, लेकिन स्कॉलरशिप एजुकेशन, देखिए हमारा कौम को पहले सबसे पहले चाहिए इल्म, तो उसके लिए हम लड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह देखेंगे कुछ और विल गेट एडिशनल फंड डन। थैंक यू सर।